आज हम आपको 500 रुपए के नोट के विषय में जानकारी देंगे, जिसे कि नोटबंदी के बाद 10 नवंबर 2016 को जारी किया गया। 10 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद इस नोट को जारी किया गया था, जिसकी की लंबाई 66 mm और चौड़ाई 150 mm है। यानी कि ये जो नोट आप देख रहे हैं, ये 10 नवंबर 2016 को जारी किया गया था। इसकी जो लंबाई है वो 66 mm और चौड़ाई 150 mm है। इसमें कि भारत का जो लाल किला है इसमें दर्शाया गया है, जहां से 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी यहां से राष्ट्रध्वज को फहराते हैं। ये जो लाल किला है जिसको कि आप देख रहे हैं, ये 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ है, उनके महल के रूप में था। इस किला का जो डिजाइनर है वो अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी है। इसके जो डिजाइनर है उस्ताद अहमद लाहौरी है, और इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। हमने इस 500 के नोट के विषय में आपको जानकारी दी। आपको ये बता दें फिर से कि जो छोटे एग्जाम्स होते हैं या सभी एग्जामों में यह प्रश्न बहुत बनता है कि 500 का नोट कब जारी हुआ, 10 नवंबर 2016, इसकी लंबाई और चौड़ाई ये दी गई है। इसमें लाल किला है जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में शाहजहां के द्वारा किया गया था। इसका जो डिजाइनर है, जो लाल किले का डिजाइनर है, उस्ताद अहमद लाहौरी है, और ये लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भेजें, ज़्यादातर भेजें। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।